नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है, मैं आपको ऐसे सपनों के बारे में बताने जा रही हूँ जो सपने आपको कंगाल बना सकते हैं। तो दोस्तों पहला सपना है गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सपने में गोल्ड आता है तो इट मीन्स इट्स नॉट अ गुड ड्रीम। ये एक बहुत ही बुरा ड्रीम है। ये सीधा सीधा आपको एक संकेत है कि आपके खर्चे जो हैं वो बढ़ने वाले हैं। जितनी आपकी इनकम है उससे डबल ट्रिपल आपके जो हैं वो खर्च होने वाले हैं। तो इसलिए ये ओवरऑल एक अच्छा ड्रीम नहीं माना जाता है। अगर इंसान को ये सपना आ जाता है तो ये समझ लेना चाहिए उसको कि मुझे जो भी खर्चे हैं वो मुझे ध्यान से करने हैं, उसको थोड़ा अपने जो इनकम है और जो उसका खर्च है उसको वॉच आउट करना चाहिए। उसके बाद जो है वो है सीज़र। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सपने में कैंची आती है, जिसे हम कपड़े काटते हैं, कुछ भी कट करने का जो हम काम करते हैं, तो ये एक बहुत ही अत्यंत बुरा ड्रीम माना गया है हमारी सेविंग्स के लिए। जो भी हमारी सेविंग्स होती हैं या हमारी जो इनकम होती है वो खर्च निकलने का जो है संकेत ये हमें ड्रीम देता है। वो इट मींस हमारे जो भी बचाए हुए पैसे हैं वो कहीं लगने वाले हैं। माना जाता है कि ऐसा ड्रीम आने पे जो है वो बीमारी में जो है हमारा पैसा ज़्यादा खर्च होने वाला है। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जो हमें हेल्दी फूड है वही खाना चाहिए, हमें फालतू बाहर का जंक नहीं खाना चाहिए। ऐसा ड्रीम देखने के बाद सतर्क रहना चाहिए। उसके बाद है टूटा हुआ घर। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको नेम से ही क्लियर होगा कि टूटा हुआ घर। तो जब इंसान को ये सपना आ जाता है तो ये मान लिया जाता है कि उसका जो घर है उस पर मुसीबतों का पहाड़ जो है वो टूटने वाला है। भगवान शंकर हमें ये सपना इसलिए देते हैं कि हम पहले ही सतर्क हो जाएं, ऐसा ड्रीम देखने के बाद हम अपने घर के लिए जो है कुछ ऐसा उल्टा सीधा ना करें, हम किसी झमेले में ना पड़ जाएँ, किसी गलत कारोबार में, जिसके कारण कि हमारा घर जो है में पड़ जाए। उसके बाद दोस्तों कॉइन। जी हाँ, अगर आप सपने में नोट देखते हैं तो ये एक अच्छा ड्रीम है। लेकिन अगर आप वहीं इसके विपरीत अगर आप कॉइन अपने ड्रीम में देखते हैं तो ये एक बहुत ही बुरा ड्रीम माना जाता है आपकी जो सेविंग्स के लिए है। स्पेशली जो आपका धन है वो अब जो है ख़त्म होने वाला है ये माना जाता है। कॉइन इज़ अ बैड ड्रीम। इसको देखने के बाद कंगाल इंसान हो जाता है। उसके बाद दोस्तों धुआं, स्मोक। हाँ, इसका रीज़न ये है कि जो जब आप स्मोक अपने ड्रीम में देखो तो इट ये एक भगवान की तरफ से ही संकेत रहता है कि अब जो है आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। लाइक आपका बिजनेस जो है वो फेल होने वाला है। सीधी सी बात है, जैसे अग्नि से धुआं निकलता है वैसे ही समझ लीजिए कि आपके बिजनेस का भी धुआं निकलने वाला है। तो आप जो है बहुत जल्द कंगाल होने वाले हैं। इसलिए जो भी आप बिजनेस में डिसीजंस लेते हैं उनको सोच समझ के लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।